प्रयागराज शहर की एक बड़ी आबादी इन दिनों बाढ़ से जूझ रही है। रविवार की दोपहर 4 बजे फाफामो में जलस्तर खतरे के निशान 84.734 मीटर के ऊपर 85.79 मीटर पर पहुंच गया। वहीं छतनाक का 85.05 मीटर एवं नैनी का 85.80 मीटर पर जलस्तर है, जिससे हजारों घरों में पानी भरने से लोगों का पलायन जारी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उप्र के बाढ़ कार्य खंड के अनुसार शनिवार की सुबह 06 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक फाफामो का 46 सेमी, छतनाक का 35 सेमी एवं नैनी का 39 सेमी की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हुई है, जो अभी जारी है। शनिवार की रात गऊघाट उपकेंद्र के यमुना बैंक पावर हाउस के आसपास तेजी से फैलते पानी को देखकर सुरक्षा के लिहाज से 33,000 केवी की आपूर्ति बंद कर ताला लगा दिया गया। इधर बख्शी बांध उपकेंद्र से जुड़े बख्शी कलों के नागवासुकी मंदिर निकट स्थित एक ट्रांसफार्मर पानी में डूब गया। बजरंग ढाल के पास 2 ट्रांसफार्मर पानी में डूबने वाले हैं। वहीं सलोरी और बघाड़ा में 6 ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है, जिससे विद्युत संकट भी गहराता जा रहा है। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप से नैनी साइड के पुराने व नए पुल के बीच बांध रोड पर बनी पुलिया की सड़क धंस गई। सड़क का आधा हिस्सा बाढ़ में समा गया। पहुंचे अधिकारियों ने JCB के माध्यम से बोल्डर गिरवाकर बैरिकेडिंग कर दी, जिससे कोई हादसा न हो, जबकि महेवा गांव में दर्जनों मकान में बाढ़ का पानी घुस गया। त्रिशिकुल उच्चतर विद्यालय राजापुर, एनी बेसेंट एलनगंज, कैंट मैरिज हॉल सदर बाजार, स्वामी विवेकानंद इनका अशोक नगर, YMCA स्कूल नायडू मार्ग, महबूब अली इनका स्टैनली रोड, सेंट जोसेफ गर्ल्स हाई स्कूल, विद्यालय बालू मंडी करेला बाग, IPM इंटरनेशनल स्कूल, ईश्वर शरण सलोरी, सहारा पब्लिक स्कूल करामत की चौकी, जमुना क्रिश्चियन कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज मीरापुर, रीगल गेस्ट हाउस राजापुर, कैंट हाई स्कूल सदर बाजार, माथुर वैश्य धर्मशाला ममफोर्डगंज, यूनिटी पब्लिक स्कूल करेली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कुल 126 नाव लगाई गई है, जिसमें सदर तहसील में 66, फूलपुर में 28, मेजा में 06, बारा में 03, करछना में 19, हंडिया में 02 तथा सोराव में 02 नाव है। बराबर बैठो, चाहे जहाँ बैठो बराबर बैठो। आईडी ले ली भैया, पलट जाएंगे। हाँ हाँ रखे थे भैया, चलो उधर चलो भैया, जहाँ बैठे हो वहीं बैठो। हम लोग यहीं आए थे ना भाई, सही बताना। तो वाली छत पे खड़े हो गए, इधर तो हमारे पास नहीं है। अच्छा वहाँ आगे एक नल है, ये हमारा काम भी करते हैं, ये पूरे सबका काम करते हैं, इसलिए हम लोग नहीं नहाते।